प्रदेश में साइबर अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है इसका अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं। खबर अजमेर से है जहां राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी कपिल गर्ग की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर रुपए मांगने का मामला सामने आया। शहर के अलवर गेट थाने में महिला ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि जनवरी महीने में उसने एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर फेसबुक पर प्रदेश के पुलिस मुखिया को फॉलो करना शुरू किया था। दो दिन पहले उसकी चैटिंग फर्जी डीजीपी से हुई और उसने चैटिंग के दौरान ही रुपए की मांग की, जिस पर उसे संदेह हुआ और उसने रुपए नहीं दिए और साथ ही फर्जी डीजीपी ने उसके पीछे पुलिस लगाने की धमकी दी। शाम को परिवादी ने अलवर गेट थाने में कंप्लेंट दी, जिसमें उन्होंने बताया कि एक आईडी है जो कि हमारे डीजी साहब के नाम की बनी हुई है और उस व्यक्ति के साथ में जनवरी में वो व्यक्ति फ्रेंड रिक्वेस्ट करने के बाद में उससे अटैच हुआ है उस आईडी से। और उसका कहना है कि दो दिन पहले कुछ फेसबुक चैट पर ही इनके बीच में कुछ कम्युनिकेशन हुआ, जिसमें कि उस व्यक्ति ने 50,000 रुपये डालने के लिए कहा। इन्होंने मना कर दिया तो उसने उन्हें धमकी दी। इस धमकी के साथ में इन्होंने कल शाम को अलवर गेट थाने पर संपर्क किया, जिस पर कि कल मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और अभी तक हमने रात भर में काफी डिटेल तलाश करने के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट क्लू हमारे हाथ लगे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी जो व्यक्ति है जिसने कि फेक आईडी बना रखी है, जो कि कंफर्म है कि फेक आईडी है, इस व्यक्ति को मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी हम